हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो यार, ये है ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स इस फैन मांगा का पार्ट 3। तो यार, अभी तक आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो यार वो जाके पहले देख लो। और यार, पढ़ते हैं इस फैन मांगा में। तो यार, फिर अगली फाइट होती है भाई पैन और बोजैक के बीच। तो बोजैक भाई, जो बोजैक अनबाउंड है उस मूवी में से, और भाई पैन जो कोहान की बेटी है। तो यार, ये जो है वो हमारे यूनिवर्स के बंदे नहीं है, अलग यूनिवर्स से। और फिर यार, उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और भाई पैन बदल जाती है सुपर सैयन में और धोने लग जाती है बोजैक को। बोजैक बहुत ही गंदी तरीके से पीट रहा होता है, लेकिन यार बोजैक फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और काफी हद तक भाई ब्रॉली जैसा ही दिखता है। और यार, बोजैक पैन को बहुत ही ओवर पावर कर देता है और उसका गला दबा के उसको मार डालता है। इससे हमें पता चलता है कि भाई बोजैक कितना एविल है। वो पैन को सिर्फ इंजोर करके पार डाल सकता था, लेकिन नहीं, उसने उसको मार डाला। यार, पैन वापस टूर्नामेंट के एंड पे जिंदा तो होने वाले, लेकिन यार बहुत ही गंदा किया बोजैक ने, मेरे को बहुत भाई बुरा लगा। इन सब के बाद यार एक लंच ब्रेक होता है जिसमें भाई वेजिटो बोलता है कि इस टूर्नामेंट में मुझे सिर्फ एक खतरा है भाई, वो है ब्रॉली से। तो यार वो सोचता है कि ब्रॉली से बड़ा तो कोई टूर्नामेंट में है ही नहीं, उससे ज़्यादा स्ट्रांग। और फिर यार जो तय होता है वो भाई बहुत सही होता है। फिर डिसाइड होता है कि भाई यूनिवर्स 6 का वेजिटो फाइट करेगा यूनिवर्स 20 के ब्रॉली के साथ। और यार वो नेमेक जो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है वो बोलता है कि यार इसे जगाना नहीं चाहिए। फिर यार जो वो वारग्रास होता है वो बोलता है कि भाई हमारे पास तो बटन है कि जिसको दबाते ही भाई ब्रॉली को वापस हम लोग भेज सकते हैं, तो भाई कोई खतरा नहीं होगा। और भाई हमारे यूनिवर्स वाले भी बोलते हैं कि यार इसको मत जगाओ, ये अगर जग गया और ये पागल हो गया तो यार हम सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन नहीं भाई, वो कहाँ मानने वाले, वो भाई जगा देते हैं ब्रॉली को। और यार ब्रॉली जागते ही भाई पागल हो जाता है और भाई हमारे यूनिवर्स वाले समझ जाते हैं कि भाई अब हमारी लगने वाली है। तो यार जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो लोग भाई ब्रॉली की ताकत देख के पागल हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं भाई इसे यहाँ पे रखना अच्छी बात नहीं है। तो वो लोग उसे वापस भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन यार उस वो डिवाइस जिसमें से भाई उसे वापस भेजा जा सकता है वो भाई खराब हो जाता है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और भाई ब्रॉली के जिंदगी का मकसद ये है भाई कैकरॉट को खत्म करना। तो यार वो हमारे यूनिवर्स के कैकरॉट यानी सन गोकू को देखता है और भाई उसके तरफ भाई पागलों की तरह आ जाता है उसे मारने के लिए। और भाई ये देख के भाई गोकू की फट जाती है और गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में ब्रोली के साथ लड़ने के लिए। लेकिन यार उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो उसके पहले भाई कोई तो उनके बीच में एक ब्लेड ला देता है और वो होता है भाई यूनिवर्स 16 का वेजिटो। और वो बोलता है कि भाई मैं असली कैकरॉट हूँ। तो भाई ब्रोली पागल हो जाता है और उसके पीछे चला जाता है उसे मारने के लिए। ब्रोली वेजिटो पे एक पंच मार देता है लेकिन वो हट जाता है वहां से, लेकिन यार एरिना पूरी तरीके से टूट जाता है। अब भाई भारी है वेजिटो की, वेजिटो से लात मारता है, मुक्के मारता है और उसे गिरा देता है। लेकिन ब्रॉली ने भी भाई कच्चे कुलिया नहीं खाई है, वो भी भाई वेजिटो के पंचेस रोकने लग जाता है। और फिर क्या भाई, ब्रॉली धोने लग जाता है वेजिटो को बिल्कुल वैसे जैसे उसने भाई कोको को धोया था। वेजिटो खुद को संभाल लेते हैं, वो ब्रॉली को कभी मारता है तो भाई ब्रॉली कभी उसे मार रहा है। वेजिटो एक जोरदार बुक्का लगाता है ब्रॉली को और भाई इंस्टेंट ट्रांसमिशन के मदद से भाई उसके पीछे चला जाता है। और भाई फिर क्या भाई, बिग बैंग अटैक कर देते हैं ब्रॉली पर। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ब्रॉली मर गया, लेकिन भाई सब लोग जानते हैं कि ब्रॉली इतने छोटे अटैक से मरने वाला नहीं है। ब्रॉली भाई भी उस अटैक से संभल जाता है और बोलता है कि मैं लेजेंडरी वॉरियर हूँ। और भाई वेजिटो भी भाई बहुत खुश है, वो बोलता है कि मुझे तेरी मैक्सिमम पावर दिखा। यहाँ भाई गोकू और वेजिटा की फट गई है क्योंकि भाई ब्रॉली की डबल हो गई है। और यार फिर से ब्रॉली चला जाता है कैकरॉट और वेजिटा की फ्यूजन वेजिटो पे अटैक करने के लिए। ब्रॉली भड़क जाते हैं और भाई एक की ब्लास्ट कर देते हैं वेजिटो का और उसे जमीन में दफना देता है वो। ब्रॉली का ये रूप देख के भाई दूसरे जो सैयंस होते हैं जो अलग यूनिवर्स से होते हैं भाई उनकी फट जाती है और वो समझ जाते हैं कि भाई ये लेजेंडरी सुपर सैयन की असली ताकत है। और भाई जो कायोशंस होते हैं वो लोग भी सोचते हैं कि भाई अच्छा किया, जब वो बच्चा था तब उन्होंने उसे मार दिया था। और वो लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा हुआ तभी मार दिया क्योंकि अभी तो वो लोग उसे टच भी नहीं कर पाएंगे। वेजिटो फिर से ब्रॉली के सामने आ जाता है और भाई बोलता है उसे अभी अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। और वो बन जाता है सुपर सैयन 2। और भाई वो बोलता है कि अब बारी है राउंड 2 की। वेजिटो ब्रॉली को धोते हैं भाई, ब्रॉली वेजिटो को धो रहे हैं भाई, कौन किससे ज्यादा स्ट्रांग है कुछ पता नहीं चल रहा। और यार ब्रॉली और वेजिटो की फाइट कंटिन्यू होते जाती है। यार एक बात बोलो यार, ये ड्रॉइंग एकदम सही है कि नहीं? यार मैं भाई रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, जिस बंदे ने भी ये ड्रॉइंग बनाई है उसको भाई मेरा रिस्पेक्ट है, बहुत सही ड्रॉइंग बनाई है। तो यार जो वारग्रास होते हैं वो लोग समझ जाते हैं कि भाई इस पार्ट को जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया तो यार फिर वाट लग जाएगी। और वो पार्ट भी उन्हें मिल जाता है भाई जो जल गया था और जिसकी वजह से वो मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। तो यार फिर ब्रॉली और वेजिटो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं और यार उस अटैक की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि भाई जो शील्ड लगाई होती है यूनिवर्सेस के जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनके उनके लिए वो शील्ड टूट जाती है। और यार जो दूसरे यूनिवर्सेस का वेजिटा होता है और सेल होता है वो लोग भाई सोच के पागल हो जाते हैं कि भाई इतनी स्ट्रेंथ एक बंदे में कैसे हो सकती है। और भाई भाई जो सुपर वो होता है वो सोचता है कि अब वो ब्रॉली को ऑब्जॉर्ब कर लेगा।
और जो उसकी वजह से उसे स्ट्रेंथ मिलने वाली है, उसकी मदद से वो वेजिटो को खत्म कर देगा। विजिटो समझ जाता है कि भाई सुपर सैयन 2 से भी ब्रॉली हारने नहीं वाला है, तो इसके लिए वो सबको बताता है कि भाई ये ऐसी पावर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ जिसको जो पावर मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाई। और भाई वो बन जाता है वेजिटो सुपर सैयन 3, है ना, वेजिटो सुपर सैयन 3 एकदम ही कूल। लेकिन यार अब देखना पड़ेगा कि क्या भाई वेजिटो सुपर सैयन 3 ब्रॉली को हरा पाता है। लेकिन यार वेजिटो इतनी पावर एक्सट्रैक्ट करने लग जाता है कि भाई वो जो एरिना होता है और वो पूरा स्टेडियम होता है वो हिलने लग जाता है। और भाई गोहन बताता है कि भाई वेजिटो का मास इतना है कि वो भाई एक मून के जितना बराबर है वो। और फिर क्या भाई ब्रॉली और वेजिटो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। वेजिटो ब्रॉली पे एक अटैक करता है जिसका नाम है भाई फाइनल ड्रैगन फ्लैश। ब्रॉली इस अटैक को झेल नहीं पाता और भाई वो उस एरिना से करोड़ों किलोमीटर दूर चला जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भाई ब्रॉली उस अटैक से मर गया होगा? और वही भाई जो हमारा सुपर वो है जिसे भाई अब्सॉर्ब करना है ब्रॉली को और खत्म करना है वेजिटो को, वो भी भाई टेलीपोर्टेशन यूज कर देता है और भाई वो उस अटैक के पीछे चला जाता है जिसमें भाई ब्रॉली करोड़ों किलोमीटर दूर चला जाता है। तो भाई देखना पड़ेगा कि क्या सुपर वो अब्सॉर्ब कर लेगा ब्रॉली को या फिर कुछ और ही होता है। तो यार अगर आपको जानना है कि भाई इस फैन मांगा में आगे क्या होता है, क्या सुपर वो ब्रॉली को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को। इसके अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि क्या भाई सुपर बू ब्रॉली को ऑब्जर्व कर लेता है। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए यार। कमेंट से मुझे बताइए यार यार फैन मांगा कैसी चल रही है, ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचाए ताकि भाई उन्हें भी पता चले कि वेजिटो सुपर सैयन 3 कैसे दिखता है। और यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं अगले ड्रैगन बॉल वीडियो में।